हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा सरफेस केमिस्ट्री में फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स में आइसोथर्म का मतलब होता है व्हेन टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। तो देखो, टेम्परेचर को जब कॉन्स्टेंट रखेंगे तो हम रिलेशनशिप किसके बीच में देखेंगे, एक तो एडजॉर्प्शन के बीच में और दूसरा देखेंगे प्रेशर के बीच में। तो हम वही रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो ये जो रिलेशनशिप थे, ये जो आइसोथर्म थे, दो तरह के आइसोथर्म दिए गए। पहला है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और सेकेंड होगा लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हम दोनों आइसोथर्म को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की स्टेटमेंट की बात करी जाए तो ये आइसोथर्म बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर गिव्स अबाउट द मैग्नीट्यूड of adsorption and pressure। ठीक है, प्रेशर और एडजॉर्प्शन मैग्नीट्यूड के बीच में जो रिलेशनशिप बताता था वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होती थी अपनी, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और जो ये रिलेशनशिप दिया गया वो एक एम्पिरिकल इक्वेशन के थ्रू दिया गया था, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ऐसे डेटा दिया गया जिसके थ्रू हमने रिलेशनशिप देखा। तो जो डेटा दिया गया एक्सपेरिमेंटली, तो वो डेटा था या वो एक एम्पिरिकल इक्वेशन होती है अपनी, एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। ये डेटा हमें दिया गया था जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप देखते हैं कि एडजॉर्प्शन और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप होगा। अब देखो, इसमें जो टर्म्स इंक्लूडेड है हम उनको देखते हैं। x होता है यहां पे अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, ठीक है। m होता है मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। पी होता है प्रेशर और एन होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर दें तो वो क्या लिखा जाएगा, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n। ये इक्वेशन भी क्या होती है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसमें आ गया के भी क्या है अपना, कॉन्स्टेंट, ठीक है। के भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अब देखो, इतना तो हमने देख लिया कि ये रिलेशनशिप बताता था प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बारे में, लेकिन क्या एडजॉर्प्शन दिख रहा है कहीं यहां इस इक्वेशन में, दिख रहा है ना। ये x क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, कि किसी भी एडजॉर्बेंट के मास पे गैस का कितना अमाउंट एडजॉर्ब हुआ, ये x बाई m ही क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। यही देखते थे ना हम एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, यही डेफिनेशन होती थी एडजॉर्प्शन की। तो देखो, इसके बाद है कि इस इक्वेशन से रिलेटेड जब ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, तो वो ग्राफ दो एक्सिस के अकॉर्डिंग, दो अलोंग एक्सिस के अलोंग बनेगा। पहली एक्सिस होती है x बाय m, यहाँ एडजॉर्प्शन और यहाँ लेते हैं प्रेशर, ठीक है। तो जो ग्राफ बना वो ग्राफ ऑब्जर्व होता है ऐसे, ठीक है। जो ग्राफ बना वो ग्राफ ऑब्जर्व हुआ ऐसे, और इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दिए गए, कुछ सर्टेन ऐसे पॉइंट लिमिट्स दी गई, और वो पॉइंट लिमिट्स किस तरह ऑब्जर्व हो रही थी, यहां जो ऑब्जर्व हुआ था ये पीक ऑब्जर्व हुई थी एट हाई प्रेशर। ये पीक कब ऑब्जर्व हुई, एट हाई प्रेशर। ये ऑब्जर्व हुआ एट लो प्रेशर, और ये ऑब्जर्व हुआ एट मॉडरेट प्रेशर। मीडियम प्रेशर भी बोल सकते हो आप, मॉडरेट प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो, रिलेशनशिप क्या ऑब्जर्व हुई थी इनके अकॉर्डिंग, अगर हम इक्वेशन को पुट करने लगे तो हम सबसे पहले कंडीशन लेते हैं एट हाई प्रेशर। हमने सबसे पहले कंडीशन ली एट हाई प्रेशर,
हाई प्रेशर पे अगर ग्राफ देखा जाए तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। देखो कैसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसे आगे कंटिन्यू जाती जाएगी। तो अगर डिपेंड नहीं करती तो अपनी इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी दैट एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर जीरो। अब ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गई। ऐसे ही देखा जाएगा एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। तो देखो हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे हम कहां से शुरुआत करें, जीरो से शुरुआत करते हैं कि हमने n की वैल्यू जीरो से शुरू करी, लेकिन ये जीरो की वैल्यू तो हाई प्रेशर पे इंक्लूड हो गई, तो हम जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक्स n की वैल्यू क्या रख दी, वन रख दी। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर वन। अब बात करते हैं मॉडरेट प्रेशर की, एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर पे रिलेशनशिप होता है x by m is equals to k to the power 1 upon n। ठीक है, ये रिलेशनशिप दिया गया। आप अगर इस ग्राफ में मेंशन करना चाहें तो आप ग्राफ में मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे रिलेशनशिप आया x by m is directly proportional to p की पावर 1। मॉडरेट प्रेशर पे क्या आता है, x by m is directly proportional to P की पावर 1 अपॉन n, और हाई प्रेशर पे क्या लिखा जाएगा, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0। ठीक है, और हमने ये पॉइंट मान लिया कि ये जो पॉइंट था अपना, ये वो पॉइंट था इस प्रेशर वाली एक्सिस पे जब ये कांस्टेंट आ गया था, कि ऐसा नहीं होगा कि तुम टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओ तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता ही रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब देखो जो इक्वेशन थी ये अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन अगर इस इक्वेशन में मैं लॉगरिथम्स लगाऊं दोनों साइड तो कैसे लिखी जाएगी इक्वेशन, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू लॉग के पी टू द पावर एन। ये तो एज इट इज ही रहेगा, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू, ये कैसे लिख देंगे, log m into n, तो ये क्या लिखा जाएगा, log m plus n, तो ये हो गया log k plus log p to the power 1 upon n। यहां तक की इक्वेशन एज इट इज ही रहेगी। फिर दोबारा log x upon m is equals to log k plus log m to the power n, ये फॉर्मूला होता है, log m to the power n को लिखते हैं n log m। यहां लिख देती हूं मैं, देखो log m to the power n, इनको कैसे लिखेंगे, n log m, इन केस आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लॉगरिथम्स लगाने पे अपनी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बन गई, ये बन गई आफ्टर अप्लाइंग लॉगरिथम्स। लॉगरिथम को दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो अब देखो अगर ग्राफ बनाया जाए लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग, तो हम log x by m और log p दोनों का ग्राफ देखते हैं। इधर लिया हमने log x by m और इधर लिया हमने log p। तो देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे स्लोप भी लिया जाएगा और इंटरसेप्ट भी लिया जाएगा। अपना ग्राफ आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ ऑब्जर्व होता है ये। अब इसमें एक होता है स्लोप और एक आएगा इंटरसेप्ट, यहां क्या लिखेंगे, इंटरसेप्ट लिखेंगे, और इधर क्या लिखा जाएगा, स्लोप लिखा जाएगा। तो अगर इंटरसेप्ट और स्लोप लिखें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है log k, इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है log k, और स्लोप क्या होता है अपना 1 अपॉन n। तो ये बन जाता है ग्राफ जब हम लॉगरिथम्स पुट करें, जब लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू देखी जाए, इनको एक्सिस में कन्वर्ट करें तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है। और नॉर्मल जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आता है अपना ये। तो गाइज ये हो गई फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कंप्लीट। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब देखते हैं लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म करने से पहले उनके कुछ एक अजम्पशन थे, जब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उस दौरान उन्होंने कुछ अजम्पशंस मानी थी, कुछ एक पॉइंट्स उन्होंने अज्यूम करे थे। तो अब हम उन्हीं अजम्पशंस को देख लेते हैं, इन अजम्पशन के बेस पे ही ये डेरिवेशन रहेगा, ये लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म निकाली जाएगी। तो देखो सबसे पहली अजम्पशन क्या थी, कि जो भी गैस सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी वो
लेयर की जो फॉर्मेशन करती है, एडजॉर्प्शन में जो लेयर फॉर्म होती है, उस लेयर की मोटाई एक मॉलिक्यूल के थिकनेस के बराबर ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम हो सकती है लेकिन एक मॉलिक्यूल की थिकनेस से ज्यादा नहीं होगी। ये अजम्पशन थी फर्स्ट। सेकेंड अजम्पशन क्या थी? दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, या बोल सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। थर्ड पॉइंट आता है कि दैट दिस एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ टू साइमल्टेनियस ऑपोजिट प्रोसेस। वो दो ऑपोजिट प्रोसेस कौन सी होगी? फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन एंड द सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डिपेंड ऑन अनकवर्ड सरफेस एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिपेंड ऑन कवर्ड सरफेस। कि जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी एडजॉर्प्शन में, तो उसमें जो कंडेंसेशन का रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा कवर्ड अनकवर्ड सरफेस से, और इवेपोरेशन का रेट डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा कवर्ड सरफेस के। एंड द लास्ट पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इक्विलिब्रियम पे इन दोनों रिएक्शन का रेट, इन दोनों प्रेशर प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखो इन्हीं सबको प्रूफ करना शुरू करते हैं हम कि कैसे कैसे इनमें क्लासिफिकेशन और कैसे मतलब इसको प्रूफ करते हैं अपन, क्या क्या चीजें हम लेंगे। तो देखो ये कवर्ड सरफेस अनकवर्ड सरफेस, पहले इसको क्लियर करते हैं। हमने मान लिया कि जिस सरफेस पे ये एडजॉर्प्शन हो रहा है उसका टोटल जो एरिया है वो 1 cm² है, ठीक है। लेट टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऐसा ही सही रहेगा ना, सरफेस एरिया इज 1 cm² जो टोटल एरिया रहेगा वो 1 cm² ले लिया हमने। अब 1 cm² में कवर्ड एरिया लेते हैं, कवर्ड एरिया इज इक्वल टू थीटा। कवर्ड एरिया हमने कितना ले लिया? थीटा ले लिया। तो देखो थीटा 1 cm² तो पूरा ही था जिसमें से थीटा उसने कवर किया, अनकवर्ड कितना रह गया? 1 - थीटा ना। अनकवर्ड एरिया इज 1 - थीटा। ये तीनों टर्म क्लियर हो गई कि 1 cm कैसे आया, थीटा कैसे आया और 1 - थीटा कैसे आया। अब रखते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को बराबर। देखो पहले रेट ऑफ इवेपोरेशन निकालें। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है कवर्ड सरफेस एरिया के, तो हमने लिख दिया दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कवर्ड एरिया विच इज थीटा। देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता था कवर्ड सरफेस एरिया के, जो सरफेस एरिया जो कवर होता था उसके डायरेक्टली रिलेटेड था। अब इधर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाऊं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K2 मान लेती हूँ और ये क्या आ गया? थीटा। ऐसे ही मैं लिखूं रेट ऑफ कंडेंसेशन को, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन किससे डायरेक्टली रिलेटेड था? अनकवर्ड एरिया के ना, तो अनकवर्ड एरिया क्या आ गया? 1 - थीटा। और इसके साथ लिखा जाता है प्रेशर। प्रेशर क्यों? क्योंकि जो एरिया अपन ने कवर करवा चुके हैं हम लोग, तो उस कवर एरिया पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूल की प्रेशर बियर करने की कैपेबिलिटी होगी नहीं ना। तो जो अनकवर्ड एरिया है, अनकवर्ड सरफेस है, प्रेशर कौन बियर करेगा? वो अनकवर्ड करेगा। प्रेशर का इफेक्ट ही कहाँ शो होगा? यहाँ होगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? प्रेशर को कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएं तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ K1 मान लेते हैं, K1 1 - थीटा, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको P से। अब देखो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये क्या है? इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हम इस इक्वेशन को, हम अपने इस यहां तक की सिचुएशन को अब इक्विलिब्रियम पे पुट कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे पुट करते ही रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर आ गया? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। चलो रख लेते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता था? K2 थीटा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या आया? K1 1 - थीटा P। अगर इसको सॉल्व करें आगे, तो
तो देखो के टू थीटा को तो क्या ही सोल्व करेंगे, कुछ है नहीं। इसको सोल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट के साथ के भी मल्टीप्लाई होगा और ये पी भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों को करेंगे तो ये आ गया के वन पी माइनस के वन पी थीटा। इस इक्वेशन में से अब थीटा थीटा के टर्म्स को एक तरफ ना कर लें तो ये क्या आ गए टर्म्स, के टू थीटा, ये माइनस है इधर आ गया प्लस में, तो के वन पी थीटा इज इक्वल्स टू के वन पी। थीटा लिया कॉमन, थीटा कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा, के टू प्लस के वन पी इज इक्वल्स टू के वन पी। थीटा की वैल्यू निकाली तो ये आ गया के वन पी डिवाइडेड बाय के टू प्लस के वन पी। ये आई थीटा के टर्म कुछ काफी हद तक। अब देखो इस थीटा के टर्म में अगर मैं इस इक्वेशन को के टू से डिवाइड कर दूं, अगर इस इक्वेशन के न्यूमिरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को के टू से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को ही कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो कहां ही आएगी। ये आ गया के वन डिवाइडेड बाय के टू पी डिवाइड के टू डिवाइड बाय के टू प्लस के वन पी डिवाइडेड बाय के टू। देखो थीटा की वैल्यू के वन अपॉन के टू ये तो रहेगा एज इट इज, पी था अपने पास, ये क्या आ गया वन प्लस के वन अपॉन के टू ये आया पी। अब देखो यहां अगर मैं के वन अपॉन के टू को लेट के वन अपॉन के टू इज इक्वल्स टू बी मान लिया मैंने कि K1 अपॉन K2, तो ऐसे देखो K1 भी कांस्टेंट था K2 भी कांस्टेंट है, अगर दो कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी, उस कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया B मान लिया, तो B वैल्यू अगर पुट करें तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी इधर बी पी अपॉन वन प्लस बी पी, ये आई थीटा की वैल्यू। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये पता रहे कि ये थीटा की वैल्यू कहाँ आई थी। ये आ गई अपनी थीटा की वैल्यू, लेकिन लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता था, लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी पी अपॉन वन प्लस बी पी। ये आ गई अगेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को कांस्टेंट से, और वो कांस्टेंट लिख दिया थ्री, तो यहां क्या आता था बी पी अपॉन वन प्लस बी पी, ये आ गया। अब देखो के थ्री को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन जब कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू भी क्या आती है अपनी, कांस्टेंट ही आती है, तो मैंने यहां लिख दिया कि के थ्री था कांस्टेंट और b था कांस्टेंट, तो ये नया कांस्टेंट आ गया जिसको मैंने a सिंबल से रिप्लेस कर दिया है, a सिंबल से इसको मैं दिखा रही हूं, तो मैं यहां ये लिख दूं दैट x by m इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाय 1 प्लस बी पी। दिस इज आर फाइनल लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये अपनी फाइनल लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आ गई। और यहां पे देखो पी एक्स वाई एम तो एडजॉर्प्शन, पी प्रेशर आ गया इधर भी, पी प्रेशर वन कांस्टेंट है सबको पता है, ये ए बी भी क्या आते थे, ए और बी भी क्या होते थे कांस्टेंट ही होते थे, और ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेंगे, ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, ये दोनों वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगी। अब इसको मैं दो कंडीशन पर लिखूं, एट लो प्रेशर इसको मैं दो कंडीशन पे लिखूं, एक तो लिख दिया मैंने हाई प्रेशर और दूसरा क्या लिख सकते हैं लो प्रेशर। अच्छा लो प्रेशर जो लिखा इस पे x बाई एम की वैल्यू क्या आती है, x बाई एम इज इक्वल्स टू ए पी, ये x बाई एम की वैल्यू क्या आ गई ए पी आ गई। अब देखो हाई प्रेशर की बात करें, एट हाई प्रेशर फ्रेंडलिच में भी याद करो दोनों टर्म, दोनों तीनों टर्म लेते थे हम, लो प्रेशर भी हाई प्रेशर भी और मॉडरेट प्रेशर भी, इस पे भी दोनों टर्म लेंगे लो प्रेशर भी और हाई प्रेशर भी। तो देखो लो प्रेशर में तो आ गया था ए
पी के, और हाई प्रेशर पे किसके बराबर आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी के। ठीक है, ये अपनी फाइनल है लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये अपनी क्लियर हो गई लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको अच्छे से। तो देखो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को वेरीफाई भी करा जाता है। तो वेरीफाई करने का बहुत सिंपल मेथड होता है, हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो उनमें जो स्लोप आते हैं, जो ग्राफ का टाइप आता है, उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि अपनी जो अजम्पशन थी वो सही थी, या जो अपना जो रेट निकली लो निकल के आया, जो इक्वेशन निकल के आई वो अजम्पशन को फुल्ली फिल कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो ये हो गया कंप्लीट लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।